नमस्कार कशिश न्यूज में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। और मैं करिश्मा आपके साथ। तो बिहार विधान परिषद चुनाव का मतदान शुरू हो गया है। शाम 4 बजे तक मतदान होगा। चुनाव में कुल 185 प्रत्याशियों के भाग का फैसला होगा और इसके लिए राज्य में 534 बूथ स्थापित किए गए हैं। राज्य के कुल 132,116 मतदाता 185 प्रत्याशियों के भाग का फैसला करेंगे। 7 अप्रैल को मतगणना होगी। वहीं एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने 12 प्रत्याशी उतारे हैं जबकि जेडीयू ने 11 प्रत्याशी उतारे हैं। एक सीट रालोसपा को दी गई है। वहीं आरजेडी ने 23 उम्मीदवार उतारे हैं। हालांकि बात करें तो एक सीपीआई को दी गई है। कांग्रेस की ओर से 24 विधान परिषद सीटों में 16 निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्याशी उतारा गया है। एमएलसी चुनाव में मतदाता के रूप में वार्ड मेंबर, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया, जिला परिषद सदस्य के साथ अन्य जनप्रतिनिधि मतदान करेंगे। तो पटना में स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत मतदाताओं की संख्या 5275 है, जिसमें पुरुष की संख्या 2460 है और महिलाओं की संख्या 2815 है। तो बिहार विधान परिषद चुनाव के 24 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। साथ ही इस दंगल के दिग्गज कौन है वो भी तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, जो मुख्य रूप से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। हालांकि कई जो निर्दलीय हैं वो भी ताल लगातार चुनावी मैदान में ठोक रहे हैं। तो बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए मतदान की जो प्रक्रिया है वो चल रही है और जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं, जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, वो इस चुनाव का हिस्सा है। और आपको बता दें कि लगातार इनको लुभाने की जो कोशिश है वो लगातार की जाती रही। एनडीए ने जहां पर एकजुटता दिखाई है, वहीं महागठबंधन का जो बिखराव है इस बार के भी एमएलसी इलेक्शन में देखने को मिला। और लगातार कांग्रेस अलग अपना प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे हुए हैं और आरजेडी ने अलग। तो आपको बता दें कि ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, निवेदिता सिंह जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, राधाचरण शाह जेडीयू के प्रत्याशी, और ये तमाम बड़े चेहरे, अहम चेहरे जो चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं अनिल सम्राट आरजेडी से। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि चुनावी जो दंगल है वो काफ़ी ख़ास से दिलचस्प है। और ऐसे में लगातार जो एमएलसी इलेक्शन को लेकर के खास करके जो प्रत्याशी हैं उनकी भी दिल की धड़कने तेज हैं कि जो 8 बजे से 4 बजे तक का वक्त होगा वही उनके भाग्य का जो फैसला है वो लेकर के आएगा। और आपको बता दें कि बैलेट पेपर से जो वोटिंग है वो कराई जा रही है, ईवीएम का इस्तेमाल नहीं है। और कई मायनों में यह जो वोटिंग है या फिर जो इसकी काउंटिंग है वो अलग पद्धति के द्वारा की जाती है एमएलसी इलेक्शन को लेकर के। तो आज इस एमएलसी इलेक्शन को लेकर के जो गहमागहमी है वो लगातार बरकरार है। सुरक्षा के भी जो पुख्ता इंतजाम हैं वो किए गए हैं और साथ ही कई जगहों पर जो कंट्रोल रूम है वो बनाए गए हैं। और साथ ही कई जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो भी मैदान में उतरे हुए हैं। और कई ऐसे भी बड़े चेहरे हैं जिनको पार्टी से टिकट नहीं मिला, वो भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में ताल ठोक रहे हैं। तो सिवान में एमएलसी चुनाव को लेकर वोटिंग शुरू हो गई है। सदर प्रखंड में वोटिंग के लिए मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं वोटिंग से पहले हमारे संवाददाता निरंजन ने वोटिंग बूथ केंद्रों का जायजा लिया है। इस वक्त हम खड़े हैं सीवान सदर ब्लॉक में, जहां पर थोड़ी देर बाद यानी कि कहे 8 बजे से यहां पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आज एमएलसी चुनाव को लेकर सीवान जिले के पूरे 19 प्रखंडों में मतदान सुबह 8 बजे से शुरू होगा। ऐसे में हम अभी सीवान सदर प्रखंड के ब्लॉक पर खड़े हैं। यहाँ का नज़ारा एक बार दिखा देते हैं आपको कि ये पूरा नज़ारा देखिए। सुरक्षाकर्मी जो हैं कि वो यहाँ पहुँच चुके हैं और अंदर में जो मतदान कर्मी हैं वो भी आ चुके हैं, यानी कि अपने पूरे तैयारी जो है कि जिला प्रशासन की तरफ से कर लिया गया है। और सुबह 8 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उससे इतर जरा ये पूरा प्रखंड जो परिसर है उसका नज़ारा एक बार दिखा देते हैं कि पूरा सुरक्षा की बात कर लेते हैं तो सुरक्षा का पूरा पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किया गया है। किसी तरह कोई अगर बात करें तो जिला प्रशासन एमएलसी चुनाव को एक चुनौतीपूर्ण तरीके से ली हुई है और कहीं से कुछ भी होने के शंका जिला प्रशासन नहीं कर रही है। किसी तरह का कोई बात नहीं है, पूरी शांतिपूर्ण तरीके से इस मतदान को कराया जाएगा। हम बात कर लेते हैं इस एमएलसी चुनाव में कितने कुल वोटर हैं, तो 4642 इसके वोटर हैं और कुल
8 प्रत्याशी इस चुनाव मैदान में हैं। 8 प्रत्याशियों का भाग का फैसला आज बैलेट पेपर के माध्यम से बंद हो जाएगा बक्से में और 7 अप्रैल को उनके भाग्य का फैसला खुलेगा। और 7 अप्रैल को देखने वाली बात यह होगी कि सीवान का MLC कौन होता है। कैमरामैन कुमार प्रशांत के साथ निरंजन कुमार, कशिश न्यूज, सीवान। तो MLC के 24 सीटों के लिए वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन इससे पहले बक्सर में वोटिंग से पहले किस तरीके का हाल रहा, जैसा लिया हमारे संवाददाता बबलू ने। विधान परिषद सीट के लिए भोजपुर बक्सर के लिए जो चुनाव आज यहाँ किया जा रहा है, मतदान करेंगे यहाँ के जनप्रतिनिधि, साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि विधान परिषद स्थानीय प्राधिकार भोजपुर बक्सर के निर्वाचन मतदान केंद्र संख्या प्रखंड कार्यालय बक्सर में इस तरह से यहाँ पूरी तैयारी कर ली गई है। मतदान प्रारंभ होने से पूर्व किस तरह की व्यवस्था है वो आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ व्यवस्थाएं की गई हैं। लगातार लोगों को जानकारी के लिए भोजपुर बक्सर में प्राधिकार के तहत मतदान केंद्र पर जाने के लिए सभी तैयारी कर ली गई है। सुरक्षा के तमाम इंतजाम यहाँ कड़े इंतजाम किए गए हैं। अभी चूँकि सुबह का 7 बज रहा है, इसलिए अब 1 घंटे के बाद जो मतदान प्रारंभ होगा, आप देख सकते हैं तमाम व्यवस्थाएँ यहाँ की गई हैं। लगभग 8 बजे से जो मतदान होना है, बक्सर जिले में 11 मतदान केंद्रों पर मतदान किया जाएगा, जिसमें 64 में 1, राजगढ़ में 304, इटाढ़ी में 251, बक्सर में 227, सिमरी में 339, चक्की में 65, ब्रह्मपुर में 277, डुमराव में 230, चौगाई में 78 एवं केसठ में 54, नवानगर में 259 मतदाता मतदान करेंगे। 11 मतदान केंद्रों पर सिमरी में सबसे अधिक 339 मतदाता हैं, वहीं केसठ में मात्र 54 मतदाता हैं। विधायक, 4 विधायक और 1 सांसद समेत 2210 टोटल यहां जो है वोटर्स हैं और कुल मतदाताओं की संख्या 2215। पूरी तैयारी कर ली गई है और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पूरी तरह कर ली गई है। लोग अब यहाँ पर मतदान के लिए पहुँचेंगे। अभी समय करीब 1 घंटा यहाँ पर अभी समय है, लेकिन जिस तरह से बक्सर जिले में पूरी तैयारी की गई है। चलिए कुछ और जिलों का हाल जानेंगे। अवनीश हमारे साथ दरभंगा से जुड़े हुए हैं, पटना से गौतम जुड़े हुए हैं। सबसे पहले पटना चलते हैं गौतम के पास। गौतम, पटना की अगर बात करें तो यहाँ भी कई प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं, कहाँ पर मौजूद है और किस तरीके की जो माहौल है वो नजर आ रहा है इस चुनावी प्रक्रिया मतदान को लेकर के? देखिए, पटना सदर प्रखंड कार्यालय में हम हैं और यहाँ पर जो तैयारियाँ हैं वो तैयारियों को हम दिखा दें पहले कि देखिए पूरी तरह से जो है वोटिंग के लिए, मतदान के लिए जो है तैयारी कर ली गई है। 8 बजे का समय निर्धारण था, 8 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा, मगर जो वोटर्स हैं वो अभी नहीं पहुँचे, कोई भी अभी एक भी वोटर जो है यहाँ पर नहीं पहुँचे। मतदान के लिए सभी व्यवस्थाएँ, चाहे वो सुरक्षा कर्मी हो चाहे मतदान कर्मी हो, वो तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। मतदाता जो हैं वो नहीं है। देखिए, पंचायत प्रतिनिधि जो हैं, वार्ड सदस्य, पंचायत प्रतिनिधि, मुखिया, जिला परिषद अध्यक्ष, विधान पार्षद, विधायक, सांसद, ये तमाम लोग जो हैं वो वोटर होते हैं, मगर जो समय निर्धारण रखा गया है 8 बजे से, वो 8 बजे का समय अब शुरू हो चुका है। पूरी तैयारी अंदर कर ली गई है, मगर जो वोटर हैं वो अभी आने नहीं शुरू हुए हैं। मैं आपको देखूँ, ये पटना सदर का मैं कुछ VVIPs जो हैं जो वोटिंग आज करेंगे उनके बारे में आपको मैं बता दूँ कि कौन कौन से लोग हैं जो पटना सदर में आके मतदान करेंगे। मैं सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो विधायक हैं पटना जिला में, आनंद कुमार सिंह, वो जेल में है, वो उनका मोकामा का जो है ये ब्लॉक पड़ेगा जहां पंचायत में पंचायत जो MLC के लिए चुनाव करेंगे। पटना सदर की अगर बात कर ले जाए तो पटना सदर में संजीव चौरसिया विधायक हैं, वो दीघा के, वो मतदान करेंगे। नितिन नवीन जो है यहां पर पटना सदर में आके मतदान करेंगे। अरुण कुमार सिन्हा विधायक है BJP के, वो यहां पर आके मतदान करेंगे। नंदकिशोर यादव जो है वो पटना सदर में आके मतदान करेंगे। ये विधायक जो है वो पटना सदर में मतदान करेंगे। वहीं मैं आपको बता दूं, जो
सांसद हैं, जो लोकसभा के सांसद हैं, पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद जो है पटना सदर में आके यहाँ पे मतदान करें, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। फिर वहीं पे पाटलिपुत्रा के सांसद जो है रामकृपाल यादव, उनका जो है मतदान यहाँ पर होगा पटना सदर में, ये जगह बनाई गई है। वहीं पटना सदर में जो राज्यसभा के सांसद है, चार राज्यसभा के सांसद हैं, उनका जो है यहाँ पर मतदान होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, सुशील कुमार मोदी उनका यहाँ मतदान होना है, मीसा भारती उनका यहाँ पे मतदान के लिए जगह बनाया गया है, अमरेंद्र धारी सिंह ये राजद के जो है सांसद है राज्यसभा के, वो भी उनका भी यहाँ मतदान होना है, और श्री शिवेश कुमार जो है शिवेंद्र, वो उनका जो है यहाँ पे मतदान होना है यहाँ पटना सदर में। मैं आपको बता दूं, फिर जो MLC के जो हैं वो जिनका मतदान होना है, जो यहाँ पर आके अपना मतदान करेंगे, जिनके लिए जो ये जगह निर्धारित की गई है, सबसे पहला नाम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है, उनका भी ये जगह निर्धारित किया गया है पटना सदर में, वहाँ पर आके मतदान करेंगे। गुलाम रसूल बलियाबी जो है यहाँ पर आके मतदान करेंगे, नवल किशोर यादव उनका यहाँ पर मतदान होना है, फिर उसके बाद गुलाम गौस वो भी यहाँ पर आके मतदान करेंगे, प्रेमचंद मिश्रा कांग्रेस के MLC हैं वो यहाँ पर मतदान करेंगे, अर्जुन सहनी जो है वो मतदान करेंगे, संजय प्रकाश उनका यहाँ मतदान होना है, संजय सिंह उनका यहाँ मतदान होना, मोहम्मद फारूक, खालिद अनवर और मोहम्मद कमरे आलम, ये तमाम जो VVIPs हैं इनका पटना सदर में मतदान होना है। और मतदान के लिए जो है ये तो पहुँचेंगे, और जितने भी प्रतिनिधि हैं जनप्रतिनिधि पंचायत के जिनका ये क्षेत्र पड़ रहा है, वो उन तमाम लोगों का यहाँ मतदान है। देखिए जो भी VVIPs हैं यहाँ पे उनकी बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या है, इसलिए जो तैयारी करके रखी गई, देखिए डेकोरेट करके जो है ये मतदान केंद्र को तैयार करके रखा गया है। हालांकि अभी तक मतदाता कोई नहीं पहुंचे हैं, जो भी यहां पर पदाधिकारी हैं वो लोग यहां पर पहुंच गए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री से लेकर तमाम बड़े चेहरे जो हैं यहां पर पहुंचेंगे, जो बिहार की राजनीति में एक बड़ा स्थान रखते हैं। तो तैयारियां हैं यहां पर, मगर जो मतदाता वोटर हैं जो सबसे ज़्यादा संख्या में होंगे पंचायत प्रतिनिधि, वो यहां पर आने की जो उनकी शुरुआत होगी वो अब से कुछ देर में ये मानी जा रही है कि वो शुरू हो जाएगी। तैयारियां ऐसे हालांकि पूरी कर ली गई है। देखिए जो पटना की बात कर ले, जो MLC चुनाव के जो कैंडिडेट हैं NDA की तरफ से वाल्मीकि सिंह जो हैं वो हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें राजद के तरफ से जो है कार्तिकेय जो है वो है, और निर्दलीय उम्मीदवार जो लल्लू मुखिया, ये तीनों लोगों में जो एक कड़ा कंपटीशन जो है वो दिख रहा है। देखिए तीनों के बीच जो है एक कंपटीशन। बिल्कुल गौतम आप बने रहे हमारे साथ, हम सीधे रुख करेंगे एक बार दरभंगा का, जो हमारे संवाददाता अवनीश हमारे साथ लाइव में मौजूद है। अवनीश, बिहार विधान परिषद चुनाव का मतदान शुरू हो गया, लिहाजा आप इस वक्त दरभंगा में मौजूद है, वहां के बूथ केंद्र पर आप मौजूद है, वहां पर क्या कुछ चुनावी प्रक्रियाएं देखने को मिल रही है? नहीं बिल्कुल, मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है, और आपको सबसे पहले तस्वीर दिखाएंगे, ये दरभंगा सदर ब्लॉक की तस्वीर है, और वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तमाम जो वोटर हैं वो यहाँ आकर अपना वोट कर रहे हैं। देखिए तमाम जो पोलिंग एजेंट है वो बैठे हुए हैं, ताकि जो भी वोटर हैं उसका वो मिलान कर सके, जो वीडियो हैं जिनको निर्वाचन अधिकारी यहाँ बनाया गया है प्रत्येक मतदान केंद्र में, वे लोग जो हैं पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि इधर कोई गड़बड़ी ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। देखिए आपको तस्वीर हम दिखाएंगे, ये तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं उनकी पूरी तैनाती यहाँ पे की गई है, ताकि कोई भी वोटर आए उनको किसी तरह कोई परेशानी ना हो, इसका भी विशेष रूप से ख्याल रखा गया है। जो पोलिंग एजेंट है वो बैठकर तमाम मिलान कर रहे हैं, तमाम कागजातों का मिलान कर रहे हैं, जो वोटर आ रहे हैं वो वोट देने के लिए वो जा रहे हैं, तो तमाम कतारबद्ध होकर तमाम जो वोटर हैं वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। तो कोशिश है कि कैसे जो है सभी लोग को मतदान प्रक्रिया में भाग लेने का मौका दिया जाए, और इसी की कड़ी में जो यहाँ वोटर है, खासतौर पे ये नगर निगम क्षेत्र का भी इलाका है, तो नगर निगम के भी जो जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं जो वोटर हैं वो भी यहाँ वोट कास्ट कर रहे हैं। जो तमाम जो वोटर हैं उनकी संख्या अभी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, तो वैसी स्थिति में वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और ख़ास बात यह है कि इस बार जो चुनाव आयोग ने जो इंस्ट्रक्शन दिया है कि सभी जो लोग हैं, जो भी वोटर हैं जो वोट करने जाएंगे, वो अपने कलम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो चुनाव आयोग ने जो कलम दिया है उसी का इस्तेमाल करेंगे, जो मतपत्र है जिस पे वोट करना है, जिस प्रत्याशी को भी चुनाव करना है उस प्रत्याशी के सामने रोमन में जो है वो निशान लगाना है। तो हमारे साथ एक वोटर है जिन्होंने वोट किया है, जनप्रतिनिधि है, बताइए सर कि आपने वोट किया है, कैसा लगा है, क्योंकि ये तो अलग अन्य वोटों से, इस बार अन्य वोट से भी अलग वोट होता है ये, और इसमें जो मतदान केंद्र पर रखी हुई कलम से ही मत गिराया जाता है। बताइए कि जनप्रतिनिधि को जनप्रतिनिधि चुनना है, तो वोट काफी जनप्रतिनिधि के ही जनप्रतिनिधि को चुनना है जी, काफी अलग ये वोट है, काफी माने आम चुनाव से अलग मतदान होता है, ये अलग वोट होता है। चुनाव आयोग ने व्यवस्था किया, संतुष्ट है आप? जी जी, जो व्यवस्था किए हुए हैं उससे हम मतदाता संतुष्ट हैं।
बिल्कुल, देखिए 8 बजे से शाम 4 बजे तक जो है वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो होगी, और उसके बाद 7 अप्रैल को मतगणना होगा। तो तमाम वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तमाम जो वोटर हैं वो अपना वोट कास्ट करने पहुंच रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपना वोटिंग करने पहुंच रहे हैं। और खास बात यह है कि इसमें ये दरभंगा सदर ब्लॉक का बूथ है, प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय को ही मतदान केंद्र बनाया गया है, और जो वहाँ के जो तमाम जो चुनाव अधिकारी हैं, चुनाव कराने वाले जो पोलिंग अधिकारी हैं, उनकी भी पूरी तरह से मुस्तैदी है, जो सुरक्षाकर्मी हैं, आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं हमारे बाईं ओर जो तस्वीर है, तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं उनकी पूरी तरह से तैनाती की गई है, ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, हंगामा ना हो, अगर इस तरह के कोई किसी तरह की सूचना मिलती है तो तत्काल जो उस पर कार्रवाई हो। तो तमाम बेहतर व्यवस्था जो है वो चुनाव आयोग द्वारा किया गया है, और 24 सीटों पर यह मतदान हो रहा है। अमूमन बड़ी संख्या में स्थानीय प्राधिकारी की सीट खाली थे, उस पर चुनाव हो रहे हैं, सभी वोटर जो है वोट देने। चलिए बिल्कुल, तो शुरुआती समय है और जो वोटर से वो पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। अवनीश और गौतम दोनों हमारे साथ।